हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी बनवाल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे होली स्पेशल पान फ्लेवर आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम घर पर ही बहुत कम मेहनत पे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पान नवाबी आइसक्रीम। तो सबसे पहले हमें पान मसाला तैयार करना होगा। उसके लिए हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और जार में हम 2 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा लिया है। अभी हम पान मसाला तैयार कर लेंगे, जो पान में डलता है ना, वही वाला। अब यहाँ पे डलेगा गुलकंद। गुलकंद तो पान की जान होती है, इसके बिना तो पान मसाला में स्वाद ही नहीं आएगा। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच गुलकंद डाल रही हूँ। ये आपको इजिली किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसके बाद डलेगा 1 टीस्पून चमन बहार। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर ये आइसक्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। फिर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैं यहाँ 8 से 10 काजू ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे कुछ बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स स्किप भी कर सकते हो, पर इससे थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाता है आइसक्रीम का, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हम पान फ्लेवर आइसक्रीम बना रहे हैं तो पान तो इसमें डलेगा ही। तो मैंने यहाँ पे 2 पान के पत्ते लिए हैं, मीठा पान पत्ता है ये। अब हम उसे धोकर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हो। पान के पत्ते आपको इजिली किसी भी पान वाले दुकान में मिल जाएंगे। पान के पत्ते जो हैं वो आइसक्रीम में क्या रिफ्रेशिंग टेस्ट देते हैं, क्या कलर देते हैं, मज़ा आ जाता है मतलब। अब हम कटे हुए पान के पत्ते को ग्राइंडर में डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके एक पान मसाला तैयार कर लेंगे। ये पान मसाला बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, खास करके गुलकंद। गुलकंद से तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आइसक्रीम में। आप देख सकते हो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये गुलकंद की वजह से थोड़ा स्टिकी दिख रहा है, पर इसका फ्लेवर और इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा आ रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने 250 ml चिल्ड क्रीम लिया है। ये फ्रेश क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड का फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे हैवी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, क्योंकि ठंडी चीज़ें थोड़ी मीठी कम लगती है, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड करना, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद हम इसे थोड़ा और क्रीमी बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें अच्छा कलर लाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप फूड कलर नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप ये सारी प्रोसेस करोगे ना सही से, तो आपकी आइसक्रीम एकदम क्रीमी और अच्छी बनेगी। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो ना टेक्सचर अभी से कितना क्रीमी लग रहा है। आप इसे ग्राइंड करने समय बस ये ध्यान रखें कि आप इसे कम से कम 2 मिनट के लिए ग्राइंड करें, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की बॉक्स यूज़ कर सकते हो। और हमने जो मिक्सर तैयार किया था यहाँ पे, हम उसे कंटेनर में निकाल लेंगे। आप इसे जितना अच्छे से ग्राइंड करोगे ना, उसमें उतना ही एयर पॉकेट्स क्रिएट होंगे और आपकी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। इसके बाद मैं आइसक्रीम को थोड़ा नवाबी फ्लेवर देने के लिए ऊपर से गार्निश कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कटा हुआ बादाम लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ टूटी फ्रूटी ली है। मैं दोनों को डालकर ऊपर से गार्निश कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ना इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। आप ना इस फ्लेवर वाली आइसक्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको बताती हूँ, आप ना सारी फ्लेवर आइसक्रीम खाना भूल जाओगे और आपको ये फ्लेवर काफ़ी पसंद आएगा। आप बोलोगे कि आपको पान फ्लेवर आइसक्रीम ही खानी है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से आइसक्रीम के ऊपर आइस नहीं जमेगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। अब हम इसका कैप लगाकर इसे ओवरनाइट के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे। यह आपके फ्रिज की कूलिंग पे डिपेंड करता है। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर बच गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मटका लिया है और सारा टेक्सचर मैं इस मटके में डाल दी हूँ। उसे भी मैं गार्निश कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है ये छोटा सा मटका। मैंने थोड़ा टूटी फ्रूटी भी डाल दिया और एक एल्युमिनियम फॉइल से मैं इसे कवर करके एक रबर लगा दे रही हूँ मैं इसके ऊपर, ताकि इसमें भी आइस ना जमे। अब मैं इसे भी फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे सारे आइसक्रीम के टेक्सचर को मटके में जमने दे सकते हो, या इसकी कुल्फी भी बना सकते हो। ओवरनाइट हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा आइसक्रीम कैसा जमा है। मैंने कैप हटा दिया है, अब मैं प्लास्टिक भी हटा दे रही हूँ। आप देख सकते हो ना आइसक्रीम कितने अच्छे से जम गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा आया है। अब हम एक स्कूप लेते हैं और स्कूप के हेल्प से इसे सर्व करते हैं। आप इसे खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे, ठंडी ठंडी पान नवाबी आइसक्रीम। आप यहाँ देख सकते हो ना कितना क्रीमी बना है और कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ।
सच में इसे बनाना बहुत इजी और ये बहुत कम मेहनत में बन जाता है। मैंने इसे सर्व कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी लग रहा है। आपको तो देखकर लग रहा है कि मैं सारे ही खा लूँ ना। मैंने जो छोटी मटकी में आइसक्रीम जमने को दिया था ना, वो भी रेडी हो चुका है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम इसे मार्केट से ही लेकर आए हैं, जो हमें देता है ना मार्केट में मटकी वाली आइसक्रीम। आप देख सकते हो ये भी कितने अच्छे से जम कर रेडी हो चुका है। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर आप देखो कितना अच्छा आया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे कोन में भी सर्व करके खा सकते हो। तो यहाँ पे हमारी पान नवाबी रॉयल आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, आप इसका आनंद अपने घर पे होली पे उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।